हम बच्चों के कैंसर के इलाज की बात करें तो एक तो कीमोथेरेपी होती है, दूसरा है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा द्वारा प्रयत्न ये किया जाता है उस कैंसर को पूरी तरह जड़ से निकाल दिया जाए। शल्य चिकित्सा का रोल ल्यूकीमिया में ज़्यादा नहीं है, जो कि केवल कीमोथेरेपी ही यूज़ होती है। जो तीसरा तरीका है वो इलाज का है, वो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी बच्चों में कम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जिस एरिया में रेडियोथेरेपी की जाती है वो एरिया अक्सर बढ़ना बंद कर देता है या कम हो जाता है। जो अब नया तरीका निकला है वो भी है एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उन्हीं कैंसर्स में किया जाता है जो कि असाध्य है शुरू से ही, या फिर कैंसर अलॉट किया गया है और उस पर सामान्य कीमोथेरेपी या और दवाएं काम नहीं कर रहे हैं। अब कैंसर के विषय में बहुत सारी मिथ्याएं हैं, भ्रम हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो भ्रम यही है कि ये कैंसर हमारे और बच्चों को भी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये अनुवांशिक नहीं है। तो यदि फैमिली में किसी एक बच्चे को कैंसर हुआ है तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे बच्चे को कैंसर हो। केवल 10% कैंसर ही अनुवांशिक होते हैं बच्चों के कैंसर। एक और भ्रांति ये है कि कोई लड़की यदि उसको कैंसर हुआ है, ल्यूकीमिया हुआ है, उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसके बच्चे नहीं होंगे। ये बिल्कुल ही गलत भ्रम है। इन बच्चों को पूरी अच्छे से शादी हो सकती है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और इनके बच्चों में कैंसर होने का चांस नहीं है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों का कैंसर साध्य है अगर हम उचित समय पर जल्दी डायग्नोसिस कर लें। आपके ज़रिए मैं यही चाहूँगी, ये जागरूकता जन साधारण में पहुँचाएं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे आए, उनका इलाज किया जा सके। धन्यवाद।